दोस्तों, बॉलीग्राड स्टूडियोज में आपका स्वागत है, जहां हम आपके लिए हमेशा बॉलीवुड से जुड़ी मजेदार और चटपटी खबरें लेकर आते हैं। और आज हम विधाता 2 फिल्म से जुड़ी कुछ चटपटी खबरों के बारे में बात करेंगे, इसलिए अपने सोफे पर बैठ के आराम से हमारी वीडियो को एंजॉय करें। विधाता एक 1982 की भारतीय एक्शन ड्रामा फिल्म है, जो सुभाष घई ने निर्देशित की थी और गुलशन रॉय की कंपनी त्रिमूर्ति फिल्म्स द्वारा निर्मित है। इसमें मुख्य भूमिकाओं में दिलीप कुमार, संजय दत्त और पद्मिनी कोल्हापुरी हैं। शम्मी कपूर, संजीव कुमार, अमरीश पुरी, मदन पुरी, सुरेश ओबेरॉय और सारिका सहायक सपोर्टिंग रोल में थे। फिल्म को कन्नड़ में पिथमाह के रूप में बनाया गया था। मूवी का बजट 8 करोड़ का था और बॉक्स ऑफिस पर मूवी ने 16 करोड़ की कलेक्शन की थी और इसे काफी अवार्ड से नवाजा भी गया था। 1983 में फिल्म फेयर अवार्ड मिला था शम्मी कपूर जी और संजीव कुमार जी को फॉर बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर। अब सुनने में आया है कि इस मूवी का रीमेक बनने वाला है, यानी कि विधाता 2 बनने जा रही है। जी हाँ, आपने सही सुना, इसका भी सीक्वल बनेगा, लेकिन अभी तक कोई ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं की गई है इसकी। अगर बात करें मूवी की, तो ये हमें नॉस्टैल्जिया वाला फील देगा और आप हमें कमेंट्स में जरूर बताइए कि आपको किस एक्टर को लीड रोल में देखना है। टाइगर श्रॉफ को हो सकता है कि इस मूवी के लिए अप्रोच किया जाए। अगर टाइगर श्रॉफ और अर्जुन कपूर में आपको चूज करना हो, तो आप इस मूवी के लिए किसे चुनेंगे? इस बार की स्टोरी प्लॉटिंग पिछले पार्ट को इंटरकनेक्ट करेगी, जहां से कहानी छूटी थी वहीं से शुरू की जाएगी। और अगर 90s के टाइम की बात करें, तो इस जमाने का जो ड्रामा था वो आज के टाइम से काफी अलग है। तो ये भी हमारे लिए देखने वाली बात होगी कि इस बार हमें किस तरह का ड्रामा देखने को मिलेगा और ये मूवी आज के जनरेशन में कैसे शूट किया जाएगा। तो बस इंतजार करते हैं इस मूवी के आने का, और ऐसे ही चटपटी मूवीज की अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक और कमेंट करके बताइए कि विधाता 2 किसी मूवी का रीमेक हो सकती है या फिर ओरिजिनल स्टोरी होगी, और अगर ऐसा हुआ तो इसका इम्पैक्ट कैसा होगा।